what are both partners responsible for the midlife crisis? For anything on this earth that happens, at least two people are responsible. Nothing can happen. कोई reality हो ही नहीं सकती है जिसमें कम से कम दो लोगों का contribution ना हो या दो situations ना हो या दो environments ना हो क्योंकि earth पे हम केवल और केवल duality experience करने आते हैं. Oneness experience करनी है death. After death, when you go up, there is oneness. तो क्योंकि कम से कम duality होनी चाहिए, कम से कम जनों का contribution होना चाहिए किसी भी situation के लिए. तो अगर मिड लाइफ क्राइसिस भी आ रही है तो डेफिनेटली दो जनों का इसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. व्हाट वी हैव टू सी इज कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन है. अपना कंट्रीब्यूशन पुल आउट कर लो, रियलिटी कोलैप्स हो जाएगी. मिड लाइफ क्राइसिस है क्योंकि आप भी मिड लाइफ में हैं, आपका पार्टनर भी मिड लाइफ में है, दोनों कुछ तो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो. जनरली मिड लाइफ क्राइसिस का जो प्रीमाइसेस होता है वो फियर होता है. देयर इज अ फियर ऑफ समथिंग जिसकी वजह से मिड लाइफ क्राइसिस आती है. इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है हमारे अंदर, फियर ऑफ फ्यूचर हो जाता है हमारे अंदर, तब मिड लाइफ क्राइसिस आती है. आप अपना फियर खत्म कर दो, आप सरेंडर मोड में आ जाओ, आप विश्वास करो जिस आदमी ने आपको, जिस शक्ति से, जिस एनर्जी ने आपको जिंदगी के 40 साल जीना है और अच्छा जिया है, वो अगले 40 ही देख लेगा. सरेंडर मोड में आ जाओ. जैसे आप सरेंडर मोड में आओगे, आप ये चीज अंडरस्टैंड करोगे, आपका कंट्रीब्यूशन पुल आउट हो जाएगा. दूसरे के पास कोई चॉइस ही नहीं है इस रियलिटी को कोलैप्स करने के अलावा. बैट और बॉल खेलते हुए कभी दो बच्चों को देखिए, एक बॉल मारेगा दूसरा बैट से वापस देगा, एक बॉल देगा दूसरा बैट से वापस करेगा. एक बच्चे की माँ ने आवाज दे दिया घर आओ, जिसका बॉल है वो अपना बॉल लेगा घर चला जाएगा, उसने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन विथड्रॉ कर ली. अब वो बल्ला जिस लड़के का है, बैट है, वो कितनी देर खेलेगा? थोड़ी देर तो ऐसे हवा में बैट चलाता रहेगा, फिर एक पत्थर ले लेगा उससे खेलता रहेगा, बॉल ही नहीं. अल्टीमेटली सर पे बैट रखेगा अपने शोल्डर पे, वापस घर चला जाएगा. रियलिटी कोलैप्स्ड. You can do that.